दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव यानी कि भारत के लोकसभा चुनाव की शुरुआत आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर का कार वहां पहुंचा है, होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा के करेली शहर, जहां के गुड़ की मिठास पूरे देश और दुनिया में जाई जाती है। सबसे बड़ी गुड़ मंडी ये कहलाती है और गुड़ का सीजन भी इस समय चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो किसान भाई हैं वो यहां पर अपने गुड़ को लेकर आ रहे हैं और लगातार अच्छी आवक भी हो रही है। लेकिन इस गुड़ की मिठास के बीच कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी अब बढ़ी हुई नजर आ रही है। और इस लोकसभा के चुनाव में होशंगाबाद नरसिंहपुर की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां के बहुत जागरूक नागरिक, वोटर्स, बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि और तमाम अलग अलग वर्गों के लोग, किसान वर्ग के लोग जो हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। लंबे समय से आप यहाँ की सियासत को भी देखते हैं और मुद्दों को भी देखते हैं, सबसे ज्यादा कमियां अब तक क्या रही और कौन सी ऐसी चीजें जिन पे काम हुआ? जो भी समस्याएं हैं वो किसानों से जुड़ी हुई, तो किसानों की पानी की, बिजली की जो भी समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से मानी जाती है। यहाँ नहर की भी एक समस्या है, नहर से पानी पूरी जगह जाना था लेकिन अभी नहीं जा पाया है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, लोगों को अनाज या मंडी की समस्याएं हैं, गुड़ की गुणवत्ता की बात है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निदान होना चाहिए। कितना सार्थक काम सरकार यहाँ पे करने में कामयाब हुई और आने वाले समय के लिए क्या विजन होना चाहिए जो नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सरकारें भी रही हैं यहाँ पर, मंत्री भी रहे, और लेकिन जो यहाँ विकास होना था, खासतौर से हम बात करें यहाँ, ये गन्ने का बहुत बड़ा बेल्ट है और यहाँ का गुड़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में जाता है, तो यहाँ कोई सरकारी शुगर मिल की जरूरत थी। आज भी लंबी लंबी लाइन लगती है किसान की, 48-48 घंटे में ट्रालियां खाली होती है, किसान परेशान होता है और उसका शोषण कहीं ना कहीं यूपी से आए गुड़भट्टी वाले भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक सरकारी शुगर मिल की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता शुरू से रही है और वो होना चाहिए। यहाँ पर जो सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं, और जहाँ तक बात हमारे इस क्षेत्र की है तो यहाँ पर एक गरीबों की ट्रेन चलती थी शटल, वो शटल भी इन लोगों ने बंद कर दी है। तो हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि ये जो गरीबों की जो ट्रेन है वो शटल चालू कर दें। एक तो महंगाई की मार और ऊपर से जो ट्रेनें चलती थी जिनका स्टॉपेज सर होना चाहिए था वो बंद करवा दी। जनता तो आप पे लगातार भरोसा कर रही है, लेकिन फिर ऐसा क्यों? उसके बदले मेमू ट्रेन चलाई है और शटल की लगातार हमारे सांसद जी और राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी जी ने भी लगातार मांग उठाई है और निश्चित शीघ्र वह शटल चालू होगी। क्षेत्र के व्यापारियों की अगर बात करें, उनकी क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं की कमी है या उनकी जरूरतों पे कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ? जिस मंडी में आप यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से लाइव चल रहा है, बड़ा सौभाग्य गुड़ व्यापारियों का और किसानों का कि आप यहाँ की समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। किसानों की बहुत जटिल समस्या है, यहाँ से आप देखिए कहीं माल रखने के लिए जगह नहीं, यहाँ शेड होना चाहिए, गुड़ खाने की वस्तु है, यहाँ कहीं जब हम लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं हम लोगों की मजबूरी होती है कि गुड़ पर जाना पड़ता है, कहाँ किसान लगा है इस गुड़ को, कोई शेड नहीं है यहाँ पर। कब से हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ माल रखने के लिए हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। यदि किसान का माल यहाँ रुक जाता है तो ये मंडियाँ, जिस जो आप देख रहे हैं सटर, मैं इसी मंडी प्रांगण की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 30 सटरें बंद पड़ी हुई है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता, हमारे जो भी लोग हैं, ये किसी व्यापारियों को कम से कम दे दें, अलर्ट करा दें, तो हम अपना बचा हुआ गुड़ यदि ज्यादा ले लेते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, ये व्यवस्थाएं भी नहीं। आधी आबादी कितनी सहमत है बीजेपी के साथ? बीजेपी साथ तो पूरी जनता साथ में है और इस बार भी हम लोग बीजेपी जीत के आएगी और मोदी वापस बनेगी इस बार। अच्छा, विधानसभा चुनाव में तो एक फैक्टर चला लाडली बहना का, कंटिन्यू रहेगा ये रहेगा? राम मंदिर जितवा देगा? राम मंदिर नहीं है, विकास जितवाएगा। राम मंदिर केवल अकेला मुद्दा नहीं है जीतने, लेकिन मुद्दा तो है, पर विकास भी बहुत है। मोदी के राज में हर तरफ विकास की लहर बह रही है, विकास की लहर भी बह रही है, महिलाएं भी साथ देंगी और इसके साथ ये भी कि जो एक माहौल देश में बना है राम मंदिर के बाद उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए तो चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। तो इनसे पूछो कि विकास में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मध्य प्रदेश में, पूरे देश में रोजगार की जरूरत है, पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये विकास है? जब हम रोजगार देंगे तब हम उसको विकास मानेंगे। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कमी, युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जवाब ले लेते हैं। सही में रोजगार की कमी है, कुछ कमियां खामियां दिखाई देती हैं? कोई कमी नहीं है सर रोजगार में, सरकार पर्याप्त रूप से रोजगार दे रही है। हाँ। और ये सरकार के पास में विजन है। हाँ। आज वो 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए कांग्रेस के पास क्या विजन है? हाँ। इनके पास में आगे के 5 साल के प्लान नहीं है कि ये क्या करेंगे अगर सरकार में आ गए तो।
तो आज हम उसी सरकार को चुनेंगे जिसके पास में विजन है, और मोदी जी के पास में सारे विजन है कि उनको 2047 में भारत किस रूप में चाहिए। तो सर हम बिल्कुल समर्थन करेंगे इसका कि हम चाहते हैं कि ये सरकार पूर्ण बहुमत से और 400 पार है। बिल्कुल 31 सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे और बिल्कुल जीत हासिल भी करेंगे। तो पलायन बहुत बड़ी तादाद में होता है, चाहे शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए भी पलायन ही है। पलायन जो होता है उसका कारण क्या है? सरकारों का काम पलायन रोकने की तो है। मेरे विचार से आज की तारीख में मूल मुद्दा महंगाई है। जो बहुत गरीब आदमी फटी लंगोटी वाले से लेके एक बड़े आदमी तक को प्रभावित करता है, मध्यम क्लास उच्च मध्यम वर्ग के आदमी को प्रभावित करता है। महंगाई के मुद्दे बात नहीं हो रही है, महंगाई कंट्रोल करना किसके हाथ में? निश्चित रूप से सरकारों के हाथ में, और उसमें भी उसका मेजर पोर्शन जो है जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार के हाथ में है। महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, हम इसी पे बात करने आए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ये सबको त्रास देने वाला मुद्दा, परेशान करने वाला मुद्दा, और बाकी क्या इस पे बात नहीं हुई? क्या आप लोग अपनी तरफ से बात रखने में कामयाब नहीं रहे? नहीं, बात क्यों नहीं रखेंगे, सब लोग बात रखते हैं महंगाई की, पार्टी कोई हो। ये तो अगर इंसानियत है तो महंगाई की बात हर किसी को करना चाहिए। अब महंगाई कंट्रोल कौन कर सकता है? जिस देश में, जिस प्रदेश में जिसकी सत्ताएं होती हैं, जो शासन करते हैं, उनकी जवाबदारी बनती है। विपक्ष तो इसको कर नहीं सकता, तो ये जवाबदारी पक्ष की होती है और उनको महंगाई पर संज्ञान लेना चाहिए। सर दो दो बार की प्रचंड बहुमत की सरकार, लेकिन महंगाई डायन फिर भी खाए जाते हैं। ये महंगाई का मुद्दा जो ला रहे हैं, ये बहलाने की, बहकावे की कोशिश है। आप बताइए, किसानों को यदि उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, आज देश की 80% जो जनता है वो कृषि आधारित खेती पर, कृषि उद्योग पर निर्भर करती है। आज हम गुड़ मंडी में खड़े हैं, अब ये गुड़ आज 3000 रुपये है या 3100 3200 है, यही 1600 रुपये हो जाए तो क्या किसान उपज उसका मूल्य मिल पाएगा? महंगाई की बात किस चीज की बात करते हैं? उस जमाने में गेहूं कितने का बिकता था और पेट्रोल कितने का बिकता था? हम कांग्रेस से पूछ के बता देंगे। आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों की मैं आ रहा हूँ सर, दो मिनट आपकी बात का जवाब ले लूं। आप लोगों की सरकार थी, पेट्रोल डीजल कितने का था, आज कितने का हो गया? दाल के भी बता दीजिए, गुड़ शक्कर की बता दीजिए। 2014 में पेट्रोल 68 रुपये लीटर था, जिसमें भी आंदोलन करते थे महंगाई है महंगाई है महंगाई है। आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट हो गया। 70 सालों में 70 रुपये तक आया और 10 सालों में 112 रुपये आ गया। गैस की टंकी 400 रुपये की थी 2014 में, आज 1200 रुपये की हो गई, फिर भी महंगाई नहीं है। हर तरफ महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आम जनता त्रस्त है, मगर केवल एक ही उद्देश्य है, ईवीएम सेट करिए और अपनी सत्ता बनाए रखिए। एक तो महंगाई बढ़ा रहे, फिर ईवीएम सेट करके चुनाव जीत जा रहे हैं आप लोग। मैं बात करूंगा, कह रहे गैस की टंकी हमारे यहाँ जमाने में सस्ती मिलती थी। अरे मिलती किसको थी? सांसद रिकमेंड करता था उसको टंकी मिलती थी, 4 बजे से लाइन लगती थी वहाँ रेस्ट हाउस में, यही सब लोग खड़े रहते थे, पट्टे पड़ते थे पट्टे लाइन में, और बड़े बड़े अपने जो मठाधीश बनते हैं ना, टंकी के ऊपर बैठे रहते थे वहाँ लाइन में, घंटों खड़े रहते थे। आज एक क्लिक करो और टंकी घर पे पहुँच जाती है। हमको सुविधाएं चाहिए, हमको महंगाई। और उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना क्या है? सबको गैस टंकी तो मिल रही है, उनको एक बार दे दिया, बाकी वो सब उसका मेंटेन कर रहे हैं। चूल्हा भूखती थी महिलाएं और अब उज्ज्वला योजना से घर घर गैस पहुंच रही है, बीजेपी के साथ ही कह रहे हैं। दाल 70 रुपये किलो, 65 रुपये किलो थी, आज 200 रुपये किलो दाल है, राहर की दाल। जीरा 800 रुपये किलो हो गया है, तेल 40 रुपये था, 200 रुपये 150 रुपये तेल है, आग लग रही है किचन में आग। हम लोगों से पूछो, महिलाओं का तो बजट बढ़ गया, महिलाओं का तो बजट बिगड़ गया। पहले मजदूरी 100 रुपया थी और हमारे समय में तो 40 रुपया थी, जिस समय के हम हैं तो 5 रुपया मजदूरी मिल रही है, एवरेज कहाँ गई? उतना बढ़ के भी तो मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, सारी जगह व्यवस्थाएं हैं, लाडली योजनाओं में पैसा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, सारी जगह व्यवस्थित चल रहा है, महिलाओं के लिए इतनी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं दे दी। ये सुविधाएं फिर काम कर जाएंगी क्या इस चुनाव में? पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है, 400 पार 370 बीजेपी, ये बता दिया मोदी जी। आप ये कैसे, पहले ही नतीजे डिक्लेयर है? ईवीएम पे भरोसा है उनको, ईवीएम सेट है, ईवीएम है तो मुमकिन है। सर ईवीएम से लड़ाई जीत रहे हैं क्या भाई साहब? ये इनको बदनाम करना एक मुद्दा रखते हैं। कर्नाटक में सरकार बनी ईवीएम ठीक, दिल्ली में आम आदमी की बनी तो ईवीएम ठीक,
तेलंगाना में बनी तो ठीक, पंजाब में बनी तो ठीक, और अगर ये हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है। और दाल का मुद्दा जहां तक है तो इन लोगों को तो बदनाम करने की आदत है। अगर दाल महंगी होती है तो बोलते हैं थाली से दाल गायब है, और अगर दाल सस्ती हो गई किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों तरफ की चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। सर ये जी दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के अंदर नहीं घुस रहा था इस मुद्दे। इतनी बड़ी बड़ी कीलें गढ़ाई हुई हैं कि किसान दिल्ली ना पहुंचे, और ये इनको तो हक ही नहीं किसान की बात करने का। ईमानदारी से मंडी में खड़े हैं, इस बात का सही जवाब दीजिए कि क्यों किसानों को दिल्ली में रोका गया, क्यों कैसे नहीं है सर? नहीं है ना सर, किसान को किसान तो यहाँ गुड़ मेज नहीं आ रहा है, किसान अपने वहाँ काम कर रहा है, किसान है ही नहीं है। कर्नाटक फंड जा रहा ना, खालिस्तानी फंड आ रहा है, भाई उपयोग हो रहा है पूरा। ऐसे कैसे हो सका था? फंड कैसे आ रहा हो जब इतनी मजबूत सरकार है? तो सरकार क्या कर रही है अगर वहाँ फंड आ रहा तो? इतनी बहुमत की सरकार है, इतनी भयंकर बहुमत, तो उसके बाद सरकार क्या कर रही है अगर बाहर से फंड आ रहा है? खालिस्तानी अगर वहाँ है तो ये रोकना किसका काम है? किसान वो है जो खेत में काम कर रहा है, किसान है जो मंडी में खड़ा है, किसान वो है जो फसल उपजा रहा है, किसान ऐसे 6 महीने के लिए टेंट लगा के नहीं बैठता, किसान 3 दिन के लिए नहीं बैठ सकता, किसान को इतनी फुर्सत ही नहीं होती, ये किराए के लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं। मेरी निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी किसानों संबंधित, उनको तत्काल लागू किया जाए, लोकसभा चुनाव के पहले लागू किया जाए। इसमें गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ने के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा, ये शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का चेहरा सबसे आगे है। राहुल गांधी और मोदी की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में मौजूद है। आईडिया ऑफ राहुल गांधी चलेगा या आईडिया ऑफ मोदी इस चुनाव में चलेगा? आईडिया ऑफ राहुल गांधी चलेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो भीड़ आ रही है, ये आम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, इनको वोट नहीं देने वाली है पब्लिक। स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। यहाँ गुड़ व्यापार से संबंधित आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है। मैं चाहता हूँ सरकारों से, जो भी सरकार आए, गुड़ पर से टैक्स हटाए और किसानों को उचित दाम मिले, इसके लिए मैं यहाँ प्रयास करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी और राहुल गांधी की कोई तुलना ही नहीं है। आप मोदी जी को उनसे कंपेयर मत कीजिए। मोदी जी का जो विजन है पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने उसको सराहा है। और आप जो जानते हैं कि जो विपक्ष के नेता, वो तो हमारी भाजपा के स्टार प्रचारक है, उनकी वजह से तो हमको सीटें ज्यादा मिलती है। मैं तो करता हूँ कि वो हमारे होशंगाबाद क्षेत्र नर्मदापुरम में भी आए, एक दो सभाएं करें, तो फिर हमको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कह रहे राहुल गांधी अगर होशंगाबाद नरसिंहपुर आ गए और सभा करके चले गए तो फिर तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बीजेपी को। ये गलत फहमी है उनकी, इस चुनाव में वो भी दूर हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं ना 400 और 370, ये पेट्रोल के रेट ले जाएंगे, डीजल के रेट ले जाएंगे, गेहूं के रेट 400 के पास। भैया जी इधर आके जो बात कर रहे हैं ना कि भैया कुछ महंगा नहीं है और सब ठीक है, बाहर जाके के यार बड्डे बहुत पेट्रोल महंगा होगा, ये बातें कर रहे हैं। जी जी सर, क्या है, महंगाई के साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ी है। जो कर्मचारी 500 रुपए में भर्ती हुए थे दिग्गी सरकार के समय, आज उन्हें 40,000 और 70,000 मिल रहे हैं। जो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर से जो 10,000 मिलते थे, उन्हें एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आय, हाँ, 2.5 लाख मिल रहा है, अच्छी बात है, क्या बात है, तालियां। तो संतुलन सब जगह है। ईवीएम का जो रोना कांग्रेस बंद करे, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जमीन पर आकर लड़े, मेरा उनको ये सुझाव है। आशीष जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर एक एंडिंग कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो आप तक आपने सियासत यहाँ देखी है, भाजपा कांग्रेस कितने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना राहुल और मोदी का फैक्टर काम करेगा? देखिए बासु, सबसे बड़ी बात है 17 लाख करीब वोटर यहाँ है। यहाँ के जो सांसद है राहुल उदय प्रताप सिंह है, अब वो सेंट्रल की राजनीति छोड़ के प्रदेश के मंत्री है, स्कूल शिक्षा मंत्री, इस लिहाज से खाली है पूरा अभी लोकसभा। और ये मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ी नर्मदा वैली है, चाहे नर्मदापुरम करें चाहे नरसिंहपुर की बात करें। कुल 8 विधानसभाएं जो हैं 3 जिलों की यहाँ आती हैं, तो इस लिहाज से कृषि प्रधान जिला है, नर्मदा वैली से जुड़ा हुआ है, तो कृषि सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फूड की दिशा में काम होना था, हमेशा से बातें होती रही, वो कोई काम बड़ा ऐसा काम हुआ नहीं है। इसके अलावा नर्मदा में उत्खनन भी एक बड़ा मुद्दा है। और यदि बात की जाए तो अभी आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित की है, तो बहुत सारे लोगों में उनका अभी तक नाम भी नहीं है।
तो ये पूरा इससे समझ में आता है कि चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो मोदी के नाम पे लड़ने के लिए जा रही है, कांग्रेस किसको ला रही है, कांग्रेस के कौन नए चेहरे होंगे, कितने बड़े चेहरे होंगे, ये बाद में साबित होगा। लेकिन फिलहाल जो चुनाव दिख रहा है कहीं ना कहीं जो सुप्रीमो है भाजपा की और कांग्रेस के सुप्रीमो है उनके चेहरे के दम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और दो बड़े मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, स्कूल शिक्षा मंत्री, श्रम विभाग के मंत्री, दोनों ही पहले सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनका बड़ा लाभ भी भाजपा को मिल सकता है। अभी आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से भीतरघात होगा इस चुनाव में। कांग्रेस के नए चेहरे, नई टीम कितना कमाल मध्य प्रदेश में और होशंगाबाद, नरसिंहपुर क्षेत्र में कर पाएगी, जो लंबे समय से बीजेपी का गढ़ बना है, ये देखने वाली बात होगी। हमने कोशिश की तमाम क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करने की और इस पे जमकर बात भी हुई, और चूंकि पूरे इस देश का चुनाव आइडिया ऑफ राहुल गांधी और मोदी के बीच में चल रहा है तो उस पर भी हमने चर्चा की। पक्ष विपक्ष लोग, किसानों और युवाओं ने, व्यापारियों ने, पत्रकारों ने अपना पक्ष यहां पे रखा है। बहरहाल इस क्षेत्र की जनता जो है वो बहुत जागरूक है और बड़ी सोच समझकर मतदान करती है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं और जल्द जब चुनाव और आगे बढ़ेगा तो स्थितियां और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज 18 के लिए करेली, होशंगाबाद, नरसिंहपुर से वासु चौरी।